आइए ले चलते हैं आपको डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक यानी कि नैनीताल में। नैनीताल का अट्रैक्शन यहाँ का लेक है। स्कंद पुराण में इसे त्रि ऋषि सरोवर भी कहा गया है। कहा जाता है कि जब अत्रि, पुलस्त्या और पुलह ऋषि को नैनीताल में कहीं भी पानी नहीं मिला तो उन्होंने एक गड्ढा खोदा और मानसरोवर की झील से पानी लाकर उसमें डाला। इस झील के बारे में कहा जाता है यहाँ डुबकी लगाने से उतना ही पुण्य मिलता है जितना मानसरोवर नदी से मिलता है। झील में डूबा यह शहर पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक नैना देवी मंदिर स्थित है। नैनीताल झील इंटरनेशनल और नेशनल टूरिस्ट के बीच काफ़ी फेमस है। नैनीताल फेमस है यहाँ के सूदिंग क्लाइमेट के लिए, यहाँ के ब्यूटीफुल माउंटेन्स, यहाँ के ब्यूटीफुल लेक, टेम्पल्स एंड वाटर एक्टिविटीज एंड एडवेंचर के लिए। यहाँ आप 3 से 4 दिन का अपना वेकेशन प्लान कर सकते हैं। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों यदि आप नैनीताल ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में आपको बताऊँगी कि आप नैनीताल कैसे पहुँच सकते हैं, नैनीताल के आसपास कौन कौन से प्लेस हैं जहां आपको विजिट करना चाहिए, कितने दिन में आप नैनीताल ट्रिप कवर कर लेंगे, और साथ ही यह भी बताऊंगी कि आपको अपना स्टे कैसे प्लान करना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में यह भी बताऊंगी कि 1% टोटल बजट कितना आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वारी हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आपके कमेंट का मेरे द्वारा जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। नैनीताल फेमस है अपने चारों ओर पहाड़ों से घिरे लेक के लिए। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं नैनीताल कैसे पहुँचें। नैनीताल पहुँचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन हैं। अगर पहले ऑप्शन की बात करूँ तो वह है बाई ट्रेन। तो दोस्तों यदि आप ट्रेन से आ रहे हैं तो जो आपका नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है वो है काठगोदाम। काठगोदाम रेलवे स्टेशन से नैनीताल की डिस्टेंस लगभग 35 किलोमीटर है। काठगोदाम से आप नैनीताल तक बस या शेयरिंग टैक्सी से भी पहुंच सकते हैं। यदि आप काठगोदाम से बस लेते हैं तो वह आपको 70 रुपया पर पर्सन लेगा, और यदि आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो 120 रुपया पर पर्सन लेगा और आपको नैनीताल ड्रॉप कर देंगे। यदि आपकी फैमिली बड़ी है तो आप टैक्सी हायर भी कर सकते हैं जिसमें आपका 400 से 500 रुपया लगेगा। यदि आप बाय बस आते हैं तो आपको दिल्ली से नैनीताल के लिए डायरेक्ट वॉल्वो एसी या गवर्नमेंट बसें मिल जाएंगी। अगर तीसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है बाय फ्लाइट का। अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं तो आपका नज़दीकी एयरपोर्ट पंतनगर एयरपोर्ट है। दिल्ली से पंतनगर के लिए आपको फ्लाइटें मिल जाएंगी। पंतनगर से नैनीताल की दूरी लगभग 70 किलोमीटर है। यहाँ से आप शेयरिंग टैक्सी के द्वारा नैनीताल पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों अब हम नैनीताल पहुँच चुके हैं, तो अब बात कर लेते हैं हमें कहाँ रुकना चाहिए और कहाँ स्टे लेना चाहिए। नैनीताल में आपके पास 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट ऑप्शन की बात करें तो वो है नैनी लेक के पास। यहाँ आपको बहुत सारे होटल और कॉटेज देखने को मिलेंगे। और यदि दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है माल रोड। माल रोड नैनी लेक से आधा किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। आप इन दोनों में से एक जगह में अपना स्टे चुन सकते हैं। अगर बात करें कॉस्ट की, यहाँ पर आपको 1000 रुपये से होटल मिल जाएंगे जो कि 10,000 तक भी होते हैं। जिस हिसाब से आप होटल लेंगे उस हिसाब से कॉस्ट बढ़ता रहता है, लेकिन मिनिमम आपको 24 घंटे के लिए होटल 1000 रुपये तक मिल जाएगा। इसी के साथ अब बात कर लेते हैं खाने पीने की। अगर बात करें खाने पीने की तो आपको यहाँ पर कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। यहाँ पर आपको स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट, ढाबे मिल जाएंगे, तो आप कहीं पर भी खाना खा सकते हैं। आपका नॉमिनल कॉस्ट 100 रुपये आ जाएगा।
अब बात कर लेते हैं हमें नैनीताल में कहाँ कहाँ घूमना है और कितने दिन का स्टे लेना चाहिए। नैनीताल घूमने के लिए 2 दिन काफ़ी हैं। 2 दिन में आप नैनीताल घूम लेंगे। यदि आप नैनीताल से रानीखेत या अल्मोड़ा जाना चाहते हैं तो आपको 2 दिन और ऐड करने पड़ेंगे। नैनीताल में हमेशा क्राउड देखने को मिलेगा, यहाँ हमेशा टूरिस्ट आते जाते रहते हैं। अगर सही समय की बात करें तो वो है दिसंबर से जनवरी। इस टाइम पर आपको क्राउड तो देखने को मिलेगा ही और साथ में आप स्नो का भी मजा ले सकते हैं। यदि आप मई जून के टाइम पर आते हैं तो आपको स्नो नहीं देखने को मिलेगी। यदि आप मई जून के समय आते हैं तो उस टाइम आपको स्नो नहीं देखने को मिलती, इसलिए जो बेस्ट टाइम होता है वो दिसंबर से जनवरी का होता है। नैनीताल का पीक टाइम समर वैकेशन का होता है। समर वैकेशन पर काफ़ी लोग नैनीताल जाते हैं। अब बात कर लेते हैं नैनीताल में हमें कहाँ कहाँ घूमना चाहिए Day 1 and Day 2 में। सबसे पहले आप नंदा देवी यानी कि नैना देवी टेम्पल विजिट कीजिए, जो कि नैनीताल के सामने ही है और यहाँ से 200 मीटर की ही दूरी पर सिंह साहब गुरुद्वारा बना है, आप यहाँ भी जा सकते हैं। Day 1 में आप नैनीताल इको केव गार्डन माल रोड विजिट कर सकते हैं। और अब बात करें Day 2 की, तो Day 2 में आप नैनीताल जू, स्नो व्यू पॉइंट, खुरपाताल, टिफिन टॉप, नैना पीक जैसे प्लेसेस में विजिट कर सकते हैं। नैनीताल के आसपास के टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप मेरा यह वीडियो देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इन सब जगहों पर जाने के लिए हमारा साधन क्या होगा। अगर पहले ऑप्शन की बात करें तो वह है टैक्सी। टैक्सी लेकर आप 800 से 1000 रुपये में यह साइट सीन कवर कर सकते हैं। और दूसरे ऑप्शन की बात करें तो वो है स्कूटी या बाइक, आप चाहें तो स्कूटी या बाइक हायर कर सकते हैं। Day 1 के लिए आपको स्कूटी हायर नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि यह सभी टूरिस्ट प्लेसेस नैनीताल के आसपास ही हैं, जहां आप पैदल ट्रैक कर भी पहुँच सकते हैं। Day 2 के लिए आपको स्कूटी या बाइक हायर करनी पड़ेगी। स्कूटी और बाइक हायर करके आप Day 2 में बाकी के प्लेसेस विजिट कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बाइक और स्कूटी की कॉस्ट और ये हमें कहां से मिलेंगी। नैनीताल और माल रोड पर आपको एजेंट मिल जाएंगे जो आपको गाड़ी रेंट पर देते हैं। स्कूटी का चार्ज 500 रुपया पड़ता है और वहीं बाइक का 900 से 1000 रुपये तक पे करना पड़ता है। तो अब बात कर लेते हैं 2 दिन का नैनीताल का बजट टोटल कितना आ जाएगा। दोस्तों यदि आप 1000 रुपये तक का होटल लेते हैं और स्कूटी या बाइक रेंट पर लेते हैं और आपके खाने पीने का टोटल बजट 4000 से 5000 तक आ जाएगा 1 पर्सन का, और यदि आप कपल्स हैं तो आपका 10000 रुपये तक बजट आ जाएगा और आप आराम से नैनीताल घूम सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नई जगह और नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। टिल देन थैंक यू, हैव अ नाइस डे।